रायपुर कलचलियान में बिजली की समस्या को लेकर, बांग्ला टोला लोहतवार की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने बिजली विभाग के विद्युत अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बिजली समस्या को हल करने की मांग की गई है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि लोहतवार बांग्ला टोला में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर को सुधारने की मांग की है। स्थानीय निवासी दया शंकर सेन ने बताया कि बिजली आपूर्ति नहीं होने से किसानों की हालत खराब हो चुकी है। वर्तमान में ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि बांग्ला टोला लोहतवार में करीब 2 महीने से विद्युत ट्रांसफार्मर खराब है, लेकिन उसे सुधारा नहीं जा रहा है। यहाँ करीब 300 लोग की आबादी है, सभी लोग बिजली नहीं होने से परेशान हैं। ग्रामीण ने बताया कि विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने की मांग कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से की गई है, लेकिन अब तक ट्रांसफार्मर में सुधार नहीं किया गया है। बरसात के मौसम में बिजली नहीं होने से अंधेरे में जहरीले जीवों का भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने कहा है कि 3 दिन के अंदर बिजली समस्या को हल नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लोन बार से बाढ़ कमान टीम से आए हुए हैं, यहाँ ट्रांसफार्मर जल गया, उसकी कई बार शिकायत की है, उसके संबंध में आज ज्ञापन देने आए थे। आज ज्ञापन दिए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से मिला हुआ है, मन हुआ है कि जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा। कई बार हमने शिकायत की है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा है, इसलिए आज घेराव के लिए आए थे। लेकिन यहाँ बताया गया कि आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो हम ग्रामवासी मिलकर यहाँ विद्युत विभाग का घेराव करेंगे।